तो दोस्तों आज जो वीडियो है वो है लेजी पे लेटर के बारे में। लेजी पे के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आपने लेजी पे से अगर क्रेडिट लाइन ले रखा है और आप चाहते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए और विदाउट KYC, अगर आपकी KYC अप्रूव नहीं हुई है या फिर KYC अप्रूव हो भी गई हो लेकिन आपको एक स्कैन एंड पे का ऑप्शन नहीं मिला है, फिर भी आप चाहते हैं कि बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, तो आज आपको लेजी पे के बारे में पूरी डिटेल आपको मैं देने वाला हूं। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो लेकिन आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, आपको दूसरों के वीडियो या फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड चैनल। वीडियो करते हैं शुरू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि लेजी पे क्या है तो मैं बता देता हूँ। लेजी पे हमको एक लिमिट देता है कुछ हज़ार रुपये से लगा के 10,000 रुपये, हो सकता है 50,000 रुपये भी दे दे। इसके ऊपर अलग अलग कैटेगरीज है, यानी कि अगर आपको 1,000 2,000 5,000 रुपये मिले हैं तो आपको मंथली दो बार इसका रीपेमेंट करना होगा। इसका जो बिल जनरेट होता है वो एक तारीख को होता है और दूसरा जो मिड मंथ में होता है यानी कि 15 तारीख को होता है। तो आपको मंथली दो बार पेमेंट करना होगा अगर आप यूज़ करते हैं तो। अब यहाँ पे मैं बात कर लाता हूँ कि अगर आपकी KYC अप्रूव्ड है और आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन नहीं मिला है तो ये कब मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लेजी पे को आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो आपको जो स्कैन एंड पे का ऑप्शन है वो 15 से एक महीने के बीच में मिल जाएगा। स्कैन पे का जो ऑप्शन है वो क्या काम करता है तो मैं बता देता हूँ। लेजी पे की जो लिमिट है उसको आप किसी भी मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसी का भी मर्चेंट का अगर बारकोड है तो उसको स्कैन करेंगे, जैसे कि फ़िलहाल अभी पेटीएम का बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आपके पास में स्कैन एंड पे का ऑप्शन है तो आप पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट किसी के पास है तो उसका बारकोड स्कैन करेंगे तो उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो उस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में वापस से पैसे ले सकते हैं। तो ये तो हो गया एक ऑप्शन। लेकिन अगर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन नहीं मिला है फिर भी आप चाहते हैं कि जो क्रेडिट लाइन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो आज आपको मैं एक ट्रिक मजेदार वाली बताने वाला हूं जो आपको सेम डे अपने बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, यानी कि जो पैसा है वो आपको सेम डे ही रिसीव हो जाएगा। कुछ इसके चार्जेस लगने वाले हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको सेम डे ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो लिमिट, अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं कि लिमिट कब मिलती है और कितनी मिलती है और कब कब ये बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिमिट होती है वो 1,000 रुपये से लगा के 5,000 10,000 रुपये तक की मिलती है। वो आपके सिबिल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आपको अच्छी क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी, अगर आपका लो है तो वही 2,000 5,000 के रुपये के आसपास मिलेगी। और उसमें भी आप इसको EMI में भी पे कर सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़ीरो इंटरेस्ट फीस लगता है, कोई पैसा हमको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। और साथ में बता दूं कि इसकी लिमिट कब बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे वैसे वैसे इसकी 500,000 रुपये इसकी लिमिट बढ़ती रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि KYC, अगर KYC आपकी अप्रूव नहीं है और फिर भी चाहते हैं कि जो लिमिट हमारी मिली हुई है उसको बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो ये वीडियो आप देख लेना। आप आसानी से अपनी जो क्रेडिट है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगे, तो KYC से इतना कोई ज़्यादा लोड नहीं है। और एक और सवाल रहता था कि सर हमारा जो लेजी पे है वो मैंने एक साल पहले रजिस्टर किया था जब मेरा एड्रेस दूसरा था और अभी जो मेरा आधार कार्ड है उसमें एड्रेस दूसरा है, तो KYC मैंने कर लिया लेकिन फिर भी मेरा पुराना वाला एड्रेस ही एप्लीकेशन में शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको KYC अपने आधार कार्ड, जो नया आधार कार्ड है उससे कर लेनी है और आपको कुछ टाइम वेट करना है, यानी कि 15 से एक महीने तक का वेट करना है। तो आपका जो नए आधार कार्ड की जो डिटेल है यानी कि जो एड्रेस है वो आपके लेजी पे में अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप लेजी पे को यूज़ करेंगे तो जो आपकी स्कैन एंड पे का ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी आपको जानकारी दे दी और अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आपको मैं बताऊंगा कि अगर स्कैन पे का ऑप्शन अगर नहीं मिला है फिर भी आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है लेजी पे का तो आप किस तरीके से कर पाओगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में है लेजी पे, लेजी पे को ओपन करके बताया था क्योंकि यहाँ पे मुझे मिली है कुछ क्रेडिट 2,000 रुपये के आसपास की। 2,000 रुपये की क्रेडिट मिली है, शायद अगर आप भी इसको रजिस्टर करेंगे तो आपको भी 2,000 के आसपास की लिमिट मिल जाएगी। शायद हो सकता है 1,500 2,000 3,000 40,000 50,000 इतनी लिमिट इसमें मिलती है। और यहाँ पर क्या करना होता है कि आप KYC तो कर लेते हैं और KYC अप्रूव होती है कुछ 10 से 15 दिन में, लेकिन उसी बीच आपको कुछ ट्रांजेक्शन करने ज़रूरी है। यानी कि अब यहाँ पे जब मेरी KYC नहीं हुई थी तो मैंने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे, तो ट्रांजेक्शन में मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए थे। 11 अप्रैल को मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था, जोमेटो से खाना मंगाया था। फिर उसके बाद में कैम्पेरी करके एक एप्लीकेशन है वहाँ पर मैंने
₹50 का एक गोल्ड मैंने बाय करके सेल किया था पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये भी कैसे ट्रांसफ़र करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू यूज़ कर रहा था इसको। तो दोस्तों यहाँ पे यूज़ करने के बाद में जो मेरी KYC अप्रूव हुई है उसकी एक मेल भी मुझे मिल गई है कि सर आपकी KYC अप्रूव हो चुकी है। वो KYC अप्रूव करने के लिए भी मेरे पास में ये पंगा हुआ था कि जो मैंने एड्रेस यहाँ पे डाल रखा था वो कोई और एड्रेस डाल रखा था, और अभी जो एड्रेस अप्रूव हुआ है यानी कि KYC अप्रूव हुई है जो मेरा आधार कार्ड से, आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस था वो वाला एड्रेस यहाँ पे आ गया है। तो पहले मैंने गलत एड्रेस डाल दिया था उस वजह से KYC में इशू आ रहा था, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया तो उसके बाद में मेरी जो KYC थी वो अप्रूव हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपनी KYC अप्रूव करवा सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार हमको एक स्कैन एंड पे का एक ऑप्शन मिल जाता है जो यहाँ पे मिला हुआ नहीं है मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ यू आर ऑन अवर वेट लिस्ट। अब ये क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने KYC करी है तो वो मेरी जो KYC अप्रूव हुई है वो कुछ दिन पहले ही हुई है, यानी कि 2 से 3 दिन हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे वेट लिस्ट में डाल दिया है। तो अब यहाँ पे मुझे कम से कम 15 से 20 दिन या महीने भर तक का वेट करना पड़ेगा तब जाके मुझे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ श्योर नहीं हो कि महीना भर ही वेट करना पड़ेगा। अगर मैंने इस जो क्रेडिट लिमिट यहाँ पे देख सकते हो ये 1724 रुपये, अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ कंटिन्यू तो शायद हो सकता है मुझे पहले ही मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर मुझे ये स्कैन एंड पे का ऑप्शन अगर नहीं मिला है और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे ये लिमिट मिली है 1724 रुपये इसको मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँ, तो दोस्तों इसको मैं आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोसेस होने वाला है 2 से 3 दिन का। 3 दिन बाद आपको पेमेंट रिसीव होगा, वो भी एक ट्रिक है उस ट्रिक की मदद से। अब बात कर लेते हैं जो ये हमको क्रेडिट लिमिट मिलती है वो कितने दिन की मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट मिलती है आप देख सकते हैं ये 3 तारीख को मेरा बिल बनेगा और वापस से ये 15 तारीख के आसपास का बिल बनेगा, यानी कि महीने में 2 बार ये पेमेंट आपको पे करना है। आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको EMI में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है 276। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप EMI में पे करना चाहते हैं तो EMI में भी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा EMI में पे करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता ही देता हूँ कैसे पे होता है। अगर यहाँ पे एडवांस पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं चाहूँ जितना पे कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये ड्यू डेट अभी मेरी 3 तारीख की है तो 3 तारीख को ही मैं पे करूँगा और जितना चाहूँ उतना पे कर सकता हूँ। तो ये आपको फीचर मिल जाएगा आपके KYC कंप्लीट होने के बाद में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो ये स्कैन एंड पे में जो हमको नहीं मिला ऑप्शन और फिर भी हम चाहते हैं कि इस पैसे को ट्रांसफ़र करना, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, मोर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलर मर्चेंट कि ये जो क्रेडिट लाइन जो हमको मिली है लेजी पे का तो वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पेरीफाई करके एक ये एप्लीकेशन है जो आपको गूगल पे पे मिल जाएगी, सॉरी गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर करना बिल्कुल आसान है, इसको रजिस्टर कर लेना। फिर आपको क्या करना है, वहाँ से आपको गोल्ड ख़रीदना है। अब गोल्ड ख़रीदना कैसे है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखी है एप्लीकेशन कॉम्पेरीफाई, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करूँगा यहाँ पे आपका ईमेल आईडी से रजिस्टर करने के लिए पूछेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, सारा कुछ पूछने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इस तरीके से आने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए बाय सेल डिलीवर ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा शुरू में ही। अगर आप नहीं, आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ से भी रिचार्ज वाले ऑप्शन में जाके डिजिटल गोल्ड के ऊपर भी आप क्लिक करके कर सकते हो। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे करना है पैसा तो मैं बता देता हूँ। इस वाली एप्लीकेशन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सेफ गोल्ड मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आप जब पहली बार करेंगे तो आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा सेफ गोल्ड का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको पूछ लेगा। जब आपका वहाँ से एक OTP रिसीव हो जाएगा तो फिर ये आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सेफ गोल्ड का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। अब डालने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है कि आप कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 100 रुपये लिख देता हूँ और रिचार्ज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करने के लिए बोल रहा है क्योंकि ये जो रेट है उसमें थोड़ा सा लाइव रेट नहीं दिखा रहा है, ये वैल्यू उसकी अलग बता रही है, तो मैं वापस इसको बंद करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लाइव रेट के ऊपर ही काम करेगा, जब भी आपकी लाइव रेट होगी
गोल्ड की, तभी आप खरीद पाओगे। ठीक है, वापस मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे नंबर डाल दिया मैंने, यहाँ पे 100 रुपये लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइव 100 रुपये डाले तो 96, ये ऑटोमेटिक लाइव रेट है जो डिडक्ट करता है। ठीक है, अब ये देखिए 96 का हमको पे करना है 97 रुपीज़। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा और लेज़ी पे का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो लेज़ी पे का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, तो मैं डाल देता हूँ ये का आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक किया तो ओटीपी मुझे रिसीव हो जाएगा 4220, और क्या है 4220 ही तो है। ठीक है, वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई कर लिया है मैंने, सक्सेस हो चुका है। अब आपके सामने ये प्रोसेस चल रहा है, 97 रुपीज़ लेज़ी पे से कट चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे सक्सेसफुल ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब इसको सेल कब करना है, तो सेल करने के लिए आपको बैक आ जाना है, वापस से बैक आ जाना है। अब यहाँ पे गोल्ड चेक गोल्ड ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब ये आपका सेल करना है गोल्ड, तो ये 48 आवर्स के बाद में ही आप सेल कर पाओगे। ठीक है, सेल करने के लिए आप वापस से मैं देख लेता हूँ, चेक गोल्ड ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पे ये सेल गोल्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो 48 आवर्स के बाद में ही आप इसको सेल पर कर पाओगे, आप तुरंत नहीं कर पाओगे। कितने, अब कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 0.019 इतना ग्राम लिखा हुआ, इसका अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे UPI या पेटीएम वॉलेट किस में आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेटीएम वॉलेट ले लेना, ताकि आपका 3 घंटे के अंदर अंदर आ जाए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना लिख देना, पेटीएम का जो भी है वॉलेट का नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसको सेल कर देना है, सेल करने के लिए सेल गोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे अच्छा ये ओके, ये सेल तुरंत हो गया है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि 3 दिन में ट्रांसफ़र हुआ था मेरे, लेकिन इस बार शायद ये तुरंत हो गया है ट्रांसफ़र, आप देख सकते हैं। वाह यार, ये थोड़ा सा अच्छा अपडेट दे दिया है कैम्पेरीफाई ने, क्योंकि पिछली बार मैंने 48 आवर्स मैंने वेट किया था, लेकिन इस बार ये तुरंत आपके सामने सेल हो गया। वाह यार, अच्छा अपडेट दे दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 97 का यहाँ पे मुझे 10 रुपये चार्ज लगा है, और ये देख सकते हैं ट्रांजेक्शन क्रिएटेड। तो यहाँ पे मेरा जो गोल्ड है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये जो गोल्ड है वो मेरे को कब रिसीव होगा, तो यहाँ पे मेरे को कुछ 3 घंटे के आसपास मुझे वेट करना है। तो 3 घंटे के आसपास मैं वेट करूँगा तो ये जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आपको एक बार और मैं अपना पेटीएम खोल के बता देता हूँ, शायद कहीं मुझे रिसीव हो गया हो, क्या भरोसा। तो यहाँ पे मैं पेटीएम वॉलेट ओपन ही है मेरा, वॉलेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी तो नहीं आया है, लेकिन ये 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लेज़ी पे से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर अगर आपको लेज़ी पे में अगर ये डायरेक्टली आपको स्कैन वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट जिसके भी पास है उसको स्कैन करने के बाद में आप आसानी से इसको, इस क्रेडिट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने 97 किया था, तो ये 1627 अभी भी मेरे क्रेडिट लाइन पड़ा हुआ है, क्रेडिट लिमिट पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्कैन पे वाला जब भी ऑप्शन मिल जाए, ये 15 से 20 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप फिर आसानी से इसको ट्रांसफ़र कर पाओगे। यानी कि कौन सा भी पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट होगा उस पर आपका आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही आपको एक वीडियो में बताना था, अपडेट सारी डिटेल आपको मैंने इस वीडियो में दे दी है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल रहते हैं, कोई भी जवाब रहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपकी मैं पूरी मदद कर दूंगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास में मोबीक्विक है और मोबीक्विक से आप अपना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको ट्रांसफ़र करके दे दूँगा, इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करके दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पैसा मुझसे ट्रांसफ़र करा सकते हो, क्योंकि जो एप्लीकेशन थी पहले वो अभी वर्क नहीं कर रही है, तो मैं आपको ये छोटा सा अपडेट बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रूफ भी बता देता हूँ कि मुझे पेमेंट कब रिसीव हुआ था लेजी पे का अपने बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि पेटीएम का वॉलेट का नंबर डाला था, तो मुझे वॉलेट में रिसीव हो चुका है। तीन से चार घंटे मुझे लगे हैं यहाँ पे, 2 बजे मैंने ट्रांसफ़र किया था और ये आठ बजे के आसपास मुझे रिसीव हो चुका है। आप टाइमिंग देख सकते हैं और ये 87.90 ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे रिसीव हो चुका है मेरे पेटीएम वॉलेट में। कॉम्फिरफाई जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी लेके चलता हूँ, मैंने कितनी बजे ट्रांसफ़र किया था और कितना पैसा ट्रांसफ़र किया था, ताकि आपको एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ ये बिल्कुल भाई वीडियो सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने बाय किया था वो 97 रुपीज़ में बाय किया था गोल्ड को, और गोल्ड को मैंने सेल किया 87 रुपीज़ में। तो ये इंस्टेंटली हो गया था, 10 रुपये का चार्ज लगा है, लेकिन यार क्या करें, अगर किसी को इमरजेंसी है तो 10 रुपये भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेल में जाऊँगा मैं, तो सेल में आपको मैं क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी 87.9, तो इतने रुपये जो मेरे पेटीएम में मुझे रिसीव हुए हैं जैसा कि आप ये देख सकते हो। तो आप आसानी से अपने बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, 6 घंटे के आसपास टाइम लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नई और टिप्स और ट्रिक वाली वीडियो हर हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप मोबीक्विक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबीक्विक के किसी भी वीडियो में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली ट्रांसफर करके दे दूंगा। और जब भी आप मोबीक्विक का पैसा ट्रांसफर करें तो एक बार मुझसे ज़रूर बात कर लेना, क्योंकि नए अपडेट्स आते रहते हैं तो आपका कहीं पैसा फंस नहीं जाए। तो इससे अच्छा है कि आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दें या फिर एक बार मुझसे राय ले लें कि सर अभी कौन सी ट्रिक वर्क कर रही है, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।